अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं सारा दिन क्या खा रही हूँ और मैं किस तरह अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो जी मैं स्टिल अभी अपने वेट लूज़ जर्नी, इस वीडियो को फुल देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ज़ैनब मेरी फ़र्स्ट बेबी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। तकरीबन मेरा 85 वर्स वेट गया था। उसके बाद मैं 60 पे आई थी और मैंने 25 किलो अपना वज़न लूज़ किया था। तो मेरी ये फैमिली एंड फ्रेंड्स सब जानते हैं, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसके बाद मेरा भी सेकंड बेबी की दफ़ा फिर से वेट दोबारा गेन हो गया है और अभी दोबारा सेकेंड मैं फिर अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए अभी मैंने YouTube चैनल बना लिया है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि वेट लूज़ करने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 25 किलो वज़न कम करने के बाद मुझे काफ़ी तजर्बा हो चुका है कि मुझे अपना वेट कैसे कम करना है। तो अभी मैं हेल्दी चीज़ें खा के स्लो एंड स्टडी अपना वेट लूज़ कर रही हूँ, कोई फास्ट वेट लूज़ नहीं कर रही। तो इसलिए आप मेरी इस फुल रूटीन में देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, वेजिटेबल्स भी और फ़िश एग सब कुछ मैं ले रही हूँ, और आप लोग भी ये सब कुछ खा के अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है और फिर आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू करें, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ और मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो बना देती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या चीज़ें अपने ऊपर यूज़ की हैं जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो लूज़ हुआ है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक दिन में एक किलो वज़न क्या चीज़ खा के कम की। इवनिंग की अपनी स्नैक लेके, ग्रीन टी लेके मैं भी बाहर निकली हूँ वॉक करने के लिए बच्चों के साथ। ये देखें जी, यहाँ पे ज़ैनब साइकिल चला रही है और अभी मैं आप लोगों को ज़ोया भी दिखाती हूँ। ये देखें जी मेरी ज़ोया, वो देखे जी पीछे ज़ोया है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वो करने के साथ साथ क्यों ना मैं एक अपनी वीडियो भी बना लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अपना माइंडसेट, ये सारी माइंडसेट की गेम है, ठीक है। आप ऐसा ना समझे कि वेट लूज़ नहीं होता, वेट लूज़ होता है। और मैं इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगी बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो भी पिक्चर है, जो भी वेट स्केल है। मैं आप लोगों को आज मेरा स्केल पे वेट है 71.3। तो आज का पूरा दिन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को अपना वेट दिखा दिया है और अभी मैं आपको नेक्स्ट डे का भी लास्ट पे दिखाऊंगी, इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो जी अभी मेरा वेट है 71.3। तो मॉर्निंग ड्रिंक में आज मैंने लिया है मेथी दाना वाटर और रात को मैंने मेथी दाना को भिगो के एक कप में रख दिया था और सुबह मैंने उसको गर्म करके छान के एम्प्टी स्टमक मैंने ये पानी पिया है। जी आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है बनाना मिल्क शेक और साथ मैंने ली है दो अजवा खजूरें, और ये मिल्क शेक मैंने सोया मिल्क में बनाया है। आप लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं, जो भी आपके पास मिल्क अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। और मैंने तो मुझे आजकल सोया मिल्क बहुत पसंद है तो मैंने सोया मिल्क इसके अंदर यूज़ किया है। आप आलमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और साथ मैंने हाफ बनाना इसके अंदर डाला है और साथ है दो अजवा खजूरें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने बनाना मिल्क शेक ही यूज़ करना है, आप लोग कोई भी फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका भी मिल्क शेक बना के यूज़ कर सकती हैं। चलें जी अभी बारी आ गई है लंच की, और लंच मैं ज़्यादातर 1 से 2 के दरमियान कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती। और मैंने पीटा ब्रेड में लगाया है चिकन टिक्का, और ये भी आपने थोड़ा सा योगर्ट डाल के, नमक मिर्च डाल के आपने चिकन को अच्छी तरह भून लेना है। आप कोई भी सालन भी यूज़ कर सकते हैं घर में, जो भी सालन बनाओ। साथ मैंने लिया है एक खीरा, आप लोग ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सालन के साथ। इवनिंग स्नैक जो है वो मैं 4 से 5 के दरमियान कर लेती हूँ। मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ, ग्रीन टी ले लेती हूँ, साथ भुने हुए चने ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था ये चकोतरा खाने को। आप लोग कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, लेकिन बनाना आपने शाम में नहीं खाना, वो वेट गेन देता है। मीठे फ्रूट नहीं खाने, कोई भी खट्टे से फ्रूट आप खा सकते हैं, जैसे कि आप ये चकोतरा खा सकती हैं, कीवी खा सकती हैं, इसके अलावा पाइनएप्पल खा सकती हैं। चलें जी बारी आ जाती है डिनर की।
जी डिनर मैं 7:30 तक कर लेती हूँ, और आज मैंने डिनर में लिया है फिश फिलेट, साथ योगर्ट की चटनी, साथ थोड़ी सी चिली वाली चटनी ली है, और साथ मैंने उबली हुई सब्जियाँ ली हैं। तो आप लोग कोई भी सलाद वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फ़िश खाने का मूड नहीं है तो आप चिकन भी खा सकते हैं, कोई लेग पीस वगैरह। चलें जी, नेक्स्ट डे आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट देख लें, 69.9 और 71.3 से 69.9, तकरीबन 1 किलो 400 ग्राम मेरा वेट कम हुआ है एक दिन में। चलें जी, मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखें जी, वीडियो एडिट करते करते मेरी वॉक भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। आजकल देखें यूके में धूप निकल रही है, काफ़ी अच्छा वेदर है, और वॉक वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और साथ साथ मेरा काम भी हो गया कि मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर दी, एडिट कर ली। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।